डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात चिंतक, विचारक, शिक्षाविद और महान देशभक्त थे। डॉक्टर मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने के लिए लगा दिया। जिस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने और वहां जाने के लिए परमिट व्यवस्था का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, उनकी लड़ाई को भाजपा ने आगे बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को खत्म कर एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के नारे को स्थापित किया। यह बातें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भाजपा महानगर एवं जिला द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित गांधी अध्ययन पीठ सभागार में आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार देश के इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर वह परिवर्तन इतिहास को निर्णायक रूप में प्रतिस्थापित कर देता है। उदाहरण के लिए जब हमें स्वतंत्रता मिली तो कश्मीर का विषय एक ऐसा विषय था कि आज़ादी के बाद सभी रियासतों का विलय हो गया था, लेकिन सिर्फ एक रियासत रह गई। रियासतों को विलय करने का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। सिर्फ एक रियासत पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था और उसी में पेच फंस गया। वह बड़ी चुनौती बन गई जो 2019 तक बनी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में निर्णायक समाधान हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर कृपा शंकर जायसवाल ने किया। स्वागत भाषण जिलाध्यक्ष व MLC हंसराज विश्वकर्मा, धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर के सिंह तथा संचालन डॉक्टर सुनील मिश्रा ने किया। संगोष्ठी में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल, महापौर अशोक तिवारी, जिलाध्यक्ष व MLC हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र राय, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह औड़े, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नवरतन राठी, शिव शरण पाठक, सह मीडिया प्रभारी संतोष सोलापुरकर, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, संजय सोनकर, प्रवीण सिंह गौतम, शैलेंद्र मिश्रा, आत्मा विशेश्वर, मधुकर चित्रांश, इंजीनियर अशोक यादव, सुरेश सिंह, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा कुसुम सिंह पटेल, साधना वेदांती, रचना अग्रवाल सहित अनेकों कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। आज जनसंघ के समय से हमारे संस्थापक और स्वतंत्र भारत के प्रथम राजनीतिक बलिदानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जन्मदिन है, तो हम उनकी पुण्य स्मरण के लिए यहाँ एकत्र हुए और उन्हीं की वजह से आज कश्मीर भारत का अभिन्न अटूट अंग बना है।